कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी व्यवसायी अमित पांडे ने गत दिनों वैशाली नगर थाने में रामनगर निवासी एक महिला एवं उसके पति के खिलाफ धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए वसूलने के बाद फिर से किसी फर्जी केस में फंसाने और व्यवसायी की पुत्री एवं परिवार को बर्बाद करने की धमकी देकर पुनः रुपयों की डिमांड करने संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यवसायी अमित पांडे की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी महिला व उसके पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की। इस बीच आरोपी महिला ने दुर्ग न्यायालय से अपनी अग्रिम जमानत करा ली है। महिला को मिली अग्रिम जमानत से प्रार्थी व्यवसायी अमित पांडे व उसका परिवार फिर से दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गया है। वैशाली नगर थाना अंतर्गत ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां एक शातिर नायिका ने निशाना बनाया एक विवाहित युवक को। गौरतलब है कि ये मामला जिसकी शिकायत अमित पांडे जो कि इस मामले में प्रार्थी है और इसे ही उस खलनायिका ने निशाना बनाया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2016 से, जब प्रार्थी अमित पांडे के संपर्क में आई पूजा बिदौलिया ने जालसाजी के तहत और षड्यंत्र पूर्वक अमित को रिझाना शुरू किया। अमित पांडे भी उसकी झूठी जालसाजी में फंसता चला गया और उसके प्रेम में अंधा हो चला। आरोपी महिला ने इन 8 वर्षों में अमित पांडे को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठे। प्रेम में अंधा हो चुका अमित पांडे पानी की तरह दौलत उस पर लुटाता रहा। वही जब अमित पांडे के आंखों के सामने धीरे धीरे उस महिला की सच्चाई सामने आने लगी और उसे पूरा यकीन हुआ कि वो महिला इन 8 सालों में उसे किस तरह छली है। इस दौरान अमित पांडे के द्वारा ही अपनी शादी दूसरे युवक प्रतीक सिंह से महिला ने करवाया, तब भी अमित पांडे ने उस असली शादी को झूठी बता खर्च करता रहा। हद तो तब हो गई जब आरोपी पूजा ने लगातार अमित पांडे को धमकाना, डराना और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बार वो अपने सो कॉल पति के साथ मिलकर डराना, धमकाना और ब्लैकमेल करना शुरू कर चुकी थी। तंग आकर प्रार्थी अमित पांडे ने इसकी शिकायत वैशाली नगर थाने में दर्ज कराई। वैशाली नगर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज भी कर ली गई। क्या था पूरा मामला, किस तरह महिला व उसके पति का आतंक अमित पांडे व उसके परिवार पर मंडराता रहा और अभी मंडरा भी रहा है, सुनिए अमित पांडे की जुबानी। मेरे साथ ये घटना 2016 में हुई। एक पूजा बिदौलिया नाम की लड़की आई, जिससे हमारे परिवार के द्वारा हमारा जान पहचान बढ़ा, हमारे रिश्ते बढ़े, हम काफी करीब आए और करीब 2024 तक हम साथ में थे। मगर बीच में हमारा 2022 में सब कुछ ख़त्म हो गया था। इनकी शादी होने वाली थी, इन्होंने बोला मेरी शादी अब कैसे भी तोड़वा दो, ये शादी मैं नहीं करना चाहती। तो मैंने किसी भी फ़ोटो वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके या थोड़ा बहुत इनके कहने ने जैसा इन्होंने कहा, मैंने वो शादी तोड़वा दी। उसके बाद हमारे परिवार के द्वारा हमारे बीच में लिखा पड़ी हो गई कि अब हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मगर ये 4 दिन बाद एक षड्यंत्र के तहत मेरे पास आई और इन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं इस बात से और डर गया, सहम गया। मैंने बोला ठीक है, तुम जो चाहती हो मैं करूँगा। उसके बाद ये मेरे साथ आई रहीं, मैंने बोला भी चेक करा लेते हैं तो ये आनाकानी करती रहीं। फिर प्रेम का प्रलोभन देके इन्होंने मुझसे शादी करी। उसके बाद फिर इन्होंने मुझसे बोला कि मैं एक लड़के से मेरी समाज में शादी करा दो, ताकि मैं आपके साथ फ्री होकर कहीं भी रह सकूँगी। आज मुझे ये पता चलता है कि ये लड़का लड़की 1.5 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे और साजिश रच रहे थे मुझसे पैसा ऐंठने के लिए। इन्होंने मुझसे पैसे ऐंठे, जेवर ऐंठे। कोई बात नहीं सर, मेरा जो गया वो चला गया, मगर उसके बाद भी उन लोगों का षड्यंत्र ख़त्म नहीं हुआ। अब जब मैंने पैसे देने बंद कर दिए तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैंने एक FIR करी वैशाली नगर थाने में, जहां से मुझे बहुत ही सहयोग मिला, सब कुछ हुआ। मगर सर ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये आज भी षड्यंत्र रच रहे हैं। और मुझे संज्ञान में आया कि ये पहले भी और लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है, मगर बेचारे वो लोग अपनी इज्जत के खातिर, समाज के खातिर सामने नहीं आ पाए। मगर मुझे हिम्मत करना पड़ा सर, क्योंकि ये लोगों का षड्यंत्र और भी लोग साजिश का शिकार होने वाले हैं। मगर सर मैं ये चाहता हूँ कि इस केस में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, क्योंकि लड़की ने बेल ले चुकी है और लड़का भी फरार घूम रहा है, मगर उससे कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, मुझे आपका सहयोग मिला सर, मगर मैं इसमें और कार्रवाई चाहता हूँ जो कि नहीं हो रही है। महिलाओं के लिए कुछ भी होता है तो एक आयोग रहता है, हम पुरुष पीड़ितों के लिए हम कहाँ जाएँ, किससे सहयोग मांगे? पुलिस के द्वारा हमारे पास और कौन सहयोग करने वाला है? उनसे भी हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। वो नारी होने का फायदा उठा के मुझ पर अब इल्जाम उल्टा लगा रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप सच्चाई की पारदर्शिता को देखें, मेरी भी और उनकी भी, और सही न्याय करें, यह मुझे आप लोगों से उम्मीद है।
अमित पांडे जो कि पेशे से व्यवसायी है और अपने इस तरह ठगे जाने से जहां स्तब्ध है, वहीं उनका परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि एफआईआर के बाद आरोपी महिला पूजा बिदौलिया ने अग्रिम जमानत ले ली है। वहीं उसका साथी पति फरार है, जो जाने अमित पांडे व उसके परिवार के साथ क्या कर बैठे। बहरहाल मामले में प्रार्थी अमित पांडे ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। देखना होगा उन्हें किस तरह का न्याय और कब मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसी न्यूज़।